हेलो नमस्कार फ्रेंड, हम आपको आज माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल टैकोमीटर के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। यह हमारा टैकोमीटर है, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। कुछ इस प्रकार से बॉक्स में आता है। जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। ये मॉइस्चर की वजह से दिया जाता है सिलिका जेल, और ये इसका एक मैनुअल है, इसको अलग रखते हैं। इसमें सेल दिए गए हैं, चार पीस सेल हैं जो कि इसकी बैटरी का काम करेंगे। ये 1.5 वोल्ट के सेल हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे। ये हमारा डिजिटल टैकोमीटर है। क्या है? डिजिटल टैकोमीटर है, आप इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ से हमारी बीम निकलती है, इस तरीके से आप इसको देख पा रहे होंगे। इस जगह से ये हमारा लेंस लगा है, यहाँ से हमारी लेज़र बीम निकलती है। ये हमारा डिस्प्ले यूनिट है, ये हमारा डिस्प्ले यूनिट है, आप इसको इस प्रकार से, ये हमारा डिस्प्ले यूनिट है। नेक्स्ट इसकी बात करें, ये हमारा मेमोरी बटन है। इसके बाद बात करें कि इसका जब मेजरिंग करते हैं तो इसकी जो बटन है वो बटन इस जगह लगी हुई है। जब इसको पुश करेंगे तो यहाँ से लेजर बीम निकलेगी। किसी भी मोटर की या किसी भी फैन की अगर हमें आरपीएम चेक करनी हो तो इस टैकोमीटर से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम सेल डालते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से सेल डालते हैं। जी ओके। तो इस प्रकार से हमने सेल डाल के कंप्लीट कर लिया है, जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो डिजिट शो कर रहा है, और यहाँ से लेजर बीम आगे निकल रही हुई है जब इसको पुश करके रखेंगे। तो इस प्रकार से हम टैकोमीटर को चेक किए हैं। अब इसको हम मोटर में, टैकोमीटर का यूज हम लोग आरपीएम चेक करने के लिए करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक इंडक्शन मोटर से इस टैकोमीटर द्वारा कैसे आरपीएम चेक किया जाता है।